हेलो दोस्तों, मेरा नाम है त्रिमन कौर और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम स्क्रैच के ऊपर इनके टूल से हम क्या क्या कैसे कर सकते हैं। तो ये है मेरी स्क्रैच की स्क्रीन। और अब स्क्रैच होता क्या है? स्क्रैच एक ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम ब्लॉक को अटैच कर इसको कमांड देते हैं और ये इसकी लैंग्वेज होती है। इसमें हम के इंटरेक्टिव आर्ट, गेम्स, स्टोरीज बना सकते हैं, एनिमेटेड स्टोरीज। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरी स्क्रैच की स्क्रीन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर ये है स्प्राइट। तो अब स्प्राइट क्या होता है? स्प्राइट वो एक ऑब्जेक्ट होता है जो हमें स्टेज पर शो होता है, जैसे कि ये कैट है, इसका नेम है स्प्राइट वन। यहाँ से हम चूज़ स्प्राइट, यहाँ से हम कोई भी स्प्राइट को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना खुद का ले सकते हैं, ये हमें स्प्राइट देता है। यहाँ से हम अपना खुद का बना सकते हैं और यहाँ से हम इसको लेते हैं। इसमें बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरी है, जैसे एनिमल, पीपल, फैंटेसी, डांस एक्सेट्रा। तो मैं जैसे अब पीपल में जाऊंगी और यहाँ से मैं ले लेती हूँ जैसे डैनी। तो ये देखिए, यहाँ पर उसका एक कैरेक्टर मुझे शो हो गया और इसको हम बोलेंगे स्प्राइट। और यहाँ पर उसका नेम आता है, इसका नेम है डैनी। और यहाँ से अगर हम जाएंगे तो चूज ए बैकड्रॉप। अब बैकड्रॉप क्या होता है? बैकड्रॉप वो होता है जो हमें स्टेज के पीछे जो हमें बैकग्राउंड शो होता है, उसको हम बैकड्रॉप बोलेंगे। यहाँ से हम अपना खुद का बैकड्रॉप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से ये हमें स्प्राइट देता है, यहाँ से हम खुद से पेंट कर सकते हैं और यहाँ से हम अभी लेंगे। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे फैंटेसी, म्यूजिक, स्पॉट। तो मैं जैसे म्यूजिक में जाती हूँ तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ स्पॉटलाइट। तो ये देखिए, अब ये है मेरी बैकड्रॉप शो हो गई है। तो यहाँ पर ये मेरे दोनों स्प्राइट खड़े हैं। तो अभी अगर ये एक्स क्या होता है और वाई क्या होता है? एक्स वो होता है अगर हमने इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड को मूव करना हो तो हम यहाँ से इसको नंबर डालकर उसको मूव कर सकते हैं। और वाई होता है ऊपर की डायरेक्शन को। अब हम यहाँ पर जैसे नंबर लिख देते हैं 7, तो ये 70 नंबर आगे हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 8 तो ये ऊपर को हो जाएगा। तो यहाँ से हम साइज से इसका साइज को बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 80 कर दिया तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पर 100 कर दिया तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्शन अगर हमने चेंज करनी हो तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको रोटेट करेंगे तो इसको हम जहाँ चाहे वहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम इसका फेस लेफ्ट साइड को करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे लेफ्ट राइट बटन के ऊपर। और अगर हम बाद में इसको टर्न करेंगे लेफ्ट साइड को तो इसका फेस इधर को हो जाएगा। और अगर हम इसका फेस राइट को डायरेक्शन राइट को करेंगे तो इसका फेस राइट को डायरेक्शन को हो जाए। यहाँ से अगर हमने इसको डिलीट करना हो किसी भी स्प्राइट को तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे डस्टबिन के ऊपर और वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब ये पार्ट होता है कोड का, यहाँ पर लिखा है कोड। इससे हम कोई भी ब्लॉक को उठाकर और इसको हम कमांड दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे बटन्स हैं, जैसे लुक्स, साउंड, साउंड में इसका साउंड वाले ब्लॉक्स हैं, इवेंट्स में इवेंट वाले। अब हम यहाँ पर कॉस्ट्यूम में जाएंगे। कॉस्ट्यूम में हम इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं या फिर हम इसको लेफ्ट राइट को कर सकते हैं। इसमें हम इसका कॉस्ट्यूम दे देते हैं, जैसे मैंने इसकी बॉडी को पर्पल कर दिया। इसमें दो टाइप के हैं, जैसे एक ये कैट है और एक इस टाइप की कैट है। अब अगर हम अब जाएंगे साउंड में तो साउंड में हम साउंड बनाते हैं, जैसे अभी इसको साउंड दी हुई है म्याऊ। और इससे हम अपनी खुद की साउंड भी बना सकते हैं। अगर हम इसको
तो ऐसे हम इसकी साउंड को चेंज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे हम उसमें बनाएंगे कोई नई स्टोरी। बाय।